ठीक है। तो नेक्स्ट चीज है अपेरेंट कोफिशियंट ऑफ लीनियर क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये क्या होता है देखो, अपेरेंट कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू ए सॉलिड, ठीक है। Apparent coefficient of linear of cubical expansion of a liquid with respect to a solid, ये क्या होता है देखो, मान लो मेरे पास एक कप है, इस तरह से मेरे पास एक जो है ये एक बीकर है, और ये मान लो बीकर जो है वो एल्यूमिनियम का बना है, ये एल्यूमिनियम का बीकर है, बीकर है, और किसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे इसमें आपने पूरा इसमें एक लिक्विड फिल कर दिया, आपने किसी टेम्परेचर पे इसमें क्या किया, एक लिक्विड फिल कर दिया। इसका इंटीरियर जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो मान लो वी नॉट है, वो मान लो वी नॉट, ये पूरी तरह भरा हुआ है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये था, ये लिक्विड है। अब ये बताओ जब टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या ये लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा या लिक्विड का लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्या पॉसिबल है? दोनों पॉसिबल है। तो हम अगर इस वॉल्यूम को, इस इंटीरियर वॉल्यूम को कह रहे हैं वी नॉट, हम इस इंटीरियर वॉल्यूम को कह रहे हैं वी नॉट, तो टेम्परेचर जब थीटा डिग्री होगा तो एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाएगा V नॉट इंटू 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू थीटा, हो जाएगा ना। और वॉल्यूम ऑफ जो ये कंटेनर का है कैविटी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा V नॉट इंटू, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मीन्स कंटेनर का इंटीरियर वॉल्यूम, वो बढ़ के हो जाएगा V नॉट इंटू 1 प्लस गामा सॉलिड इंटू थीटा। कहने का मतलब है कि लिक्विड अपनी साइज बढ़ा लिया, कंटेनर अपनी साइज बढ़ा लिया, और तुमने लिक्विड को दोबारा इसमें डाल दिया, तो अब क्या होगा अगर लिक्विड की, नाउ देयरफॉर वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड, दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आउटसाइड द कंटेनर, ये कितना है बताओ, जब इसको और इसको माइनस करोगे तो आएगा वी नॉट इंटू गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड इंटू थीटा, होगा ना। यस सर हम इसको कह सकते हैं कोफिस, इसको कह सकते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर फ्रेम, हम इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू सॉलिड। कंटेनर को लगेगा ये इतना एक्सपेंड किया। अब समझो अगर गामा लिक्विड गामा सॉलिड सेम है तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में ये, अगर गामा लिक्विड गामा सॉलिड सेम है तो दोनों का एक्सपेंशन सेम अमाउंट से होगा, तो लेवल वहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गामा लिक्विड ग्रेटर है गामा सॉलिड से तो ये आएगा पॉजिटिव, यानी ये थोड़ा सा ओवरफ्लो करके गिर जाएगा, कितना करेगा ओवरफ्लो, इतना करेगा ओवरफ्लो, इतना पार्ट ओवरफ्लो हो जाएगा। और अगर गामा लिक्विड कम है गामा सॉलिड ज्यादा है तो लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा, होगा ना। हम कहते हैं हम गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड को डिनोट करते हैं गामा लिक्विड बाय सॉलिड, हम इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ, या वो उसको बोलते हैं अपेरेंट कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू सॉलिड। याद रखना अगर ये पॉजिटिव है, अगर गामा ऑफ लिक्विड रेस्पेक्ट टू सॉलिड पॉजिटिव है तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो थोड़ा सा अमाउंट ओवरफ्लो करेगा,
अगर गामा सॉलिड गामा लिक्विड के इक्वल है, इफ गामा लिक्विड बाय सॉलिड इज जीरो तो यही रहेगा, और अगर गामा सॉलिड गामा लिक्विड से और गामा लिक्विड बाय सॉलिड इज नेगेटिव तो इसको लगेगा कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, थोड़ा सा स्पेस यहां घट जाएगा, क्योंकि सॉलिड ज्यादा एक्सपेंड कर गया है कंपेयर टू लिक्विड। एग्रीड? तो इस टर्म को याद रखना अगर कहीं भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, गामा ऑफ मरकरी विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर, गामा ऑफ मरकरी विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर, इसका मतलब गामा ऑफ मरकरी माइनस गामा ऑफ कॉपर, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे तुमको। ठीक है, ठीक। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, मान लो मेरे पास एक स्केल है स्टील का, मेरे पास मान लो एक स्केल है जो कि स्टील का है, हाँ, इसका स्क्रीन सेट शॉट लोगे तो ले लो। अग्रेड ले लिया, चलो मैं ये जानना चाहता हूं कि मान लेते हैं हम इस टॉपिक का नाम दे रहे हैं मेजरमेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, हम इसका नाम दे रहे हैं रिलेशन बिटवीन, क्लास के बाद लास्ट में बिटवीन मेजरमेंट्स रिलेशन मेजरमेंट्स एट, हाँ बताओ क्या है उसमें सर, वो जब विजुअलाइज करें तो फिर इनर लेयर ऑफ सॉलिड को क्या होगा, एक्सपांड करेंगे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सा सॉलिड जैसे देखना, किसको, वो इनर लेयर जो सॉलिड की उसको कैविटी जैसे देखना कि वो भी एक्सपांड करेगी, क्या होगा उसका इनर लेंथ ऑफ कैविटी, इनर लेयर जो है ना वो मतलब लिक्विड के साइड की लेयर सॉलिड वाली लास्ट वाली चीज, अच्छा इसमें हाँ तो इनर लेयर ना एक्सपेंड होगी, अच्छा बट कितनी होगी वो तो डिपेंड करेगा ना वो वैल्यूज पे, एक चीज बताओ सॉलिड लिक्विड के अकॉर्डिंग चलता है कि लिक्विड सॉलिड के अकॉर्डिंग चलता है, लिक्विड सॉलिड के अकॉर्डिंग, तो जब सॉलिड को एक्सपेंड कर देना तब लिक्विड को पोर करना, लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा क्या, क्या लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए क्या, वो तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा बता रहा हूँ इसको पहले चूंकि लिख दिया इसको बता देता हूँ उसके बता रहा हूँ, ये एक स्केल है हालांकि ये कांच का बना हुआ है बट मान लो ये स्केल जो है स्टील का बना हुआ है, मुझे स्टील वाला भी है कहीं खोजना पड़ेगा, ये स्टील का है ठीक, ये मेरे पास एक स्टील का एक स्केल है और मान लो ये जो है स्टील का है और ये कॉपर का प्लेट है, ये कॉपर का प्लेट है, ये प्लेट है ये कॉपर का बना हुआ है, मैं इसको मेजर कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं इसको कंपेयर करता हूं और मैं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि इसकी जो है ये लेंथ जो है वो 112 मान लो 250 मिलीमीटर है, इसकी लेंथ कितनी आ रही है 250 मिलीमीटर आ रही है या 24 मिलीमीटर आ रही है, ठीक है एग्रीड, अभी इस रूम की टेम्परेचर जो है 20 डिग्री है या कोई भी टेम्परेचर ले लेते हैं, एक स्केल है, एक स्केल है, कुछ होगा इसमें बहुत सारे डिविजन्स होंगे, ठीक है, तो ऐसा है कि ये जो है और यही चीज हम इसमें कर दी, हमने इस लेंथ को मेजर करना है, ये मान लेते हैं कि कॉपर का बना हुआ है, ये मान लेते हैं स्टील का है, स्टील का स्केल है और कॉपर का एक प्लेट है, हमने जो उसको कंपेयर किया जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब हमने इसको कंपेयर किया जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हम देख रहे हैं ये एन यूनिट्स आ रहा है, जब इसको हम देख रहे हैं तो ये एन यूनिट्स आ रहा है, मतलब ये इसका मेजरमेंट आ रहा है, मेजर्ड लेंथ इज कमिंग एन यूनिट्स, एग्रीड, मैं जानना चाहता हूं
मैं जानना चाहता हूं कि किसी हायर या लोअर टेम्परेचर पे कितना आएगा। मैं ये जानना चाहता हूं अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को किसी हायर या लोअर टेम्परेचर पे करता थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो दोनों एक्सपेंड कर जाता, स्केल भी एक्सपेंड कर जाता और ये भी एक्सपेंड कर जाता, करता ना। उस टेम्परेचर पे कितना मेजरमेंट देता, यानी ये समझो कि मैं जीरो डिग्री के लिए काम करना चाहता हूं, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता हूं जो मैं जीरो डिग्री पे यूज करना चाहता हूं, तो उसके दो तरीके हैं, या तो मैं उसको इस रूम का टेम्परेचर जीरो कर दूं तब मैं वहां स्वेटर पहन के बनाऊं, या फिर मैं उसको बना लूं और फिर मैं पता कर लूं कि जीरो डिग्री पे ये कितना रीडिंग देगा, क्या ताकि वो जीरो डिग्री का रीडिंग करेक्ट बैठे। तो मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं कुछ भी हो, नंबर जो आता है, नंबर का मतलब है मेजर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, एग्रीड, ये होता है लेंथ ऑफ प्लेट या जिसको मेजर कर रहे हो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ यूनिट होता है। तो मैं कह रहा हूं एन एट जीरो डिग्री इज लेंथ ऑफ हम कह सकते हैं जिसको मेयर कर रहे हैं उसका नाम दे देते हैं, उसका नाम दे देते हैं मान लो रॉड या चलो क्या, फिर से बताओ, कॉपर नहीं होगा तो कॉपर अगर एल्यूमिनियम, हाँ तो रुक जाओ, लेंथ ऑफ, ये तो हो गया लेंथ ऑफ यूनिट एट जीरो, मतलब एक डिवीजन का लेंथ, ये एक मिलीमीटर है, ये जो गैप है ना ये मान लो 1 मिलीमीटर है, ये जो गैप है ये मान लो 1 मिलीमीटर है, ठीक है ना, इसी से तुम कंपेयर कर रहे हो ना। और ये है लेंथ ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, या ये कह सकते हो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ जिसको हम मेजर करना चाहते हैं मेजर्ड वैल्यू, तो इसको ले लो लेंथ ऑफ प्लेट ही ले लेते हैं, चलो लेंथ ऑफ प्लेट एट जीरो डिग्री, ये होगा क्या, जीरो डिग्री पे यही मेजर वैल्यू मिलेगा। जब थीटा डिग्री पे लोगे तो क्या मिलेगा मेजर वैल्यू, लेंथ ऑफ प्लेट एट थीटा बाय लेंथ ऑफ यूनिट, यूनिट मतलब स्केल, एट थीटा, सही है। इसको लिख सकते हो लेंथ ऑफ प्लेट एट जीरो 1 प्लस गामा प्लेट थीटा, लेंथ ऑफ प्लेट एट जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा प्लेट थीटा, वही हो जाएगा लेंथ ऑफ यूनिट एट जीरो डिग्री इंटू 1 प्लस अल्फा यूनिट थीटा, सही है। ये दोनों क्या था, एन नॉट था, तो एन थीटा आ गया एन नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा प्लेट माइनस अल्फा यूनिट थीटा, सही है। इसमें सबको आइसोट्रोप मान के चलना है। हाँ हाँ हाँ, अब बताओ अगर अल्फा प्लेट और अल्फा यूनिट दोनों सेम है, यानी परसेंटेज इंक्रीज, ये भी 1% एक्सपेंड करेगी, ये भी 1% एक्सपेंड करेगी, वैल्यू सेम मिलेगा ना। अगर अल्फा प्लेट ज्यादा है, ये 2% एक्सपेंड करिए और ये स्केल का लेंथ 1% ही एक्सपेंड किया, और अल्फा प्लेट ज्यादा एक्सपेंड कर गया, यूनिट कम एक्सपेंड किया, ये ज्यादा है, तो तुमको एन थीटा की वैल्यू एन नॉट से ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। अगर अल्फा प्लेट ज्यादा है, समझो अगर अल्फा प्लेट मतलब बहुत एक्सपेंड कर गया, स्केल कम एक्सपेंड किया, तो जब कंपेयर करोगे इस टेम्परेचर पे तुमको ज्यादा वैल्यू मिलेगा ना। और अगर अल्फा प्लेट जो है वो क्या है कम है और स्केल ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है तो कम मिलेगा। यहां तुम निकाल सकते, इसको नीचे ले आओगे तो ये अपने आप ऊपर जाके बन जाएगा माइनस, वो छोटा होता है इसलिए। दूसरी बात, यहां तुम एक चीज और देखो कि यही काम तुम कर सकते हो तो किसमें, किसी चीज को नापने में, जैसे मान लो हम वाटर को एक या मिल्कमैन होता है, मिल्कमैन एक
एल्युमिनियम का उसके मग होता है जिसको बोलता है 1 लीटर हाफ लीटर हाफ लीटर करके वो देता है। तो एल्युमिनियम और मिल्क दोनों एक्सपेंड करता है टेम्परेचर के साथ, तो अलग अलग टेम्परेचर वो अलग अलग वॉल्यूम देगा तुमको। तो हम उसको भी इस तरह से पता कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, जब वो 0 डिग्री पे मिल्क को मेजर कर रहा है तो हम कहते हैं, मान लो हम एक बकेट में पानी है और वो एक मग से उसको मेजर कर रहा है, कितना मग पानी हुआ, कितना मग पानी हुआ। वही काम वो सेम वाटर के साथ वो दूसरे टेम्परेचर पर करेगा, उसको अलग वैल्यू मिलेगा। तो यहां तुम क्या लिखते हैं, एन नॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ द मग, वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल वाटर बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मग, सही है ना। तो यहां सब कुछ वही होता, सिर्फ यहां पर हो जाता मेजर्ड वैल्यू नंबर ऑफ मग्स एट टेम्परेचर थीटा इन नंबर ऑफ मग्स एट टेम्परेचर जीरो इंटू वन प्लस गामा पी माइनस गामा ऑफ वाटर माइनस गामा ऑफ द एल्युमिनियम मग इंटू थीटा, यही ना। हाँ, क्योंकि तुम उसमें मग ही तुम्हारा है ना, यूनिट है ना, यूनिट वहां क्या है, मग है ना। मेरे पास एक बकेट पानी है और मुझसे कहा गया है बताओ वो कितना मग है, मैं क्या करूंगा, एक मग निकालूंगा, दो मग निकालूंगा, तीन मग निकालूंगा, देखूंगा वो 12 मग निकल रहा है, वो 12, तो मैं बोलूंगा 12 मग वाटर है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी साइज भी बढ़ेगी और वाटर की साइज भी बढ़ेगी, अब क्या होगा, अब जब मैं उसको मेजर करूंगा तो हो सकता है 12.1 हो जाए या फिर 11.9 हो जाए, एग्रीड। Yes, तो आप दोनों टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हैं उसकी मेजर वैल्यूज को इस तरह से, ठीक है, चलो। हाँ, अभी जो तुम बोल रहे थे पिछले वाले केस में उसका मैं बता देता हूं, कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो आप क्या करोगे। मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूं उसको समझाने के लिए, एक क्वेश्चन मुझे लेना ही था, एक तुमने चूंकि पूछ दिया तो मैं बता देता हूं। देखो मेरे पास एक कंटेनर है, बीकर है, ये मेरे पास बीकर है, और इसमें एक लिक्विड है। बीकर को मैं बोल रहा हूं सॉलिड, इसको मैं बोल रहा हूं लिक्विड। 0 डिग्री पे इसकी हाइट है h नॉट, 0 डिग्री पे इसकी हाइट है h नॉट, ठीक है। आपको बताना है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी दी हुई है अल्फा लिक्विड, इसकी दी हुई है अल्फा सॉलिड। जब ये थीटा डिग्री टेम्परेचर पे जाएगा हमको ये बताना है कि बेस से इस लिक्विड का हाइट कितना होगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस लिक्विड फ्रॉम द बेस। तो आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं कि एच नॉट लिक्विड का ले लिया इंटू वन प्लस अल्फा लिक्विड थीटा कर दो तो गलत आएगा, क्यों आएगा, बेसिकली क्या होता है सॉलिड का जो भी वॉल्यूम हो तुम जब लिक्विड को डालते हो तो वो बेस के अकॉर्डिंग अपनी एक हाइट लेता है। अगर मैं इस सॉलिड को एक्सपेंड कर दू, इस सॉलिड को अगर मैं बाहर की तरफ इसका रेडियस बढ़ा दू, लिक्विड अपने आप घट जाएगा, लिक्विड सॉलिड का शेप ले लेगा, सॉलिड लिक्विड का शेप नहीं लेगा, तो सॉलिड डिटरमाइन करे। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसकी एरिया ऑफ द बेस मान लेते हैं ए नॉट है, तो लिक्विड की वॉल्यूम कितनी है, ए नॉट इंटू एच नॉट। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट थीटा कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट जीरो इंटू वन प्लस
गामा लिक्विड थीटा, सही ना? इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट थीटा वुड बिकम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो था वो था ए नॉट एच नॉट, स्टार्टिंग में लिक्विड का वॉल्यूम था ए नॉट इंटू एच नॉट वन प्लस गामा लिक्विड थीटा, ये हो गई लिक्विड की वॉल्यूम। जिसको जिसको आप क्या कर रहे हो, इस लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, पोर कर रहे हो, डाल रहे हो किसमें, एक कंटेनर में। अब ये बताओ व्हाट इज एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर, व्हाट इज एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर। जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एरिया बढ़ के जाएगा ए थीटा, ए थीटा हो जाएगा ए सॉलिड का थीटा डिग्री पे, ए सॉलिड एट जीरो डिग्री इंटू वन प्लस बीटा सॉलिड थीटा, सही है? तो ए सॉलिड थीटा में हो जाएगा ए सॉलिड एट जीरो इंटू वन प्लस टू टाइम्स ऑफ अल्फा सॉलिड थीटा या बीटा सॉलिड अभी रखते हैं। यानी तुम्हारे पास एक ऐसा कंटेनर है, तुम्हारे पास थीटा डिग्री पर एक ऐसा कंटेनर है जिसका तुम एरिया जानते हो ए थीटा, जानते हो, तुमको इसका एरिया पता है, एरिया ऑफ सॉलिड एट थीटा, और तुमको इस लिक्विड का टोटल वॉल्यूम भी पता है, तुमको इस लिक्विड का टोटल वॉल्यूम भी पता है। अब तुम इसको डाल दिए तो तुम इसको लिख सकते हो v ऑफ लिक्विड एट थीटा वुड बी इक्वल टू a ऑफ सॉलिड एट थीटा इनटू हाइट ऑफ लिक्विड, होगा? यहां से तुम्हारा हाइट ऑफ लिक्विड आएगा, यहां से तुम्हारा हाइट ऑफ लिक्विड आएगा। देखो ये तो a नॉट ही था, ये आ जाएगा, देखो या इसको लिख दो इस तरह से, v लिक्विड एट थीटा मींस a नॉट h नॉट इनिशियल वॉल्यूम वन प्लस गामा लिक्विड थीटा, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बेस, a नॉट था, एरिया ऑफ द बेस कितना था a नॉट इंटू वन प्लस बीटा सॉलिड थीटा, तो दैट वुड बिकम इक्वल टू एच नॉट इंटू वन प्लस, अब चूंकि मैंने तो दोनों का अल्फा ही दिया है तो ये हो जाएगा कितना, थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा लिक्विड, और ये हो जाएगा कितना, टू टाइम्स ऑफ अल्फा सॉलिड इंटू थीटा, होगा? हाइट अनचेंज तभी रहेगा, याद रखना, अगर लिक्विड और सॉलिड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट सेम है, और लिक्विड और सॉलिड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट सेम है, और लिक्विड और सॉलिड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट सेम है तो क्या होगा, हाइट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ वॉल्स से मतलब मान लो थिकनेस वॉल्स की है, ये तो इसको डिटरमाइन करेगा ना, अंदर वाले से क्या मतलब इसको, तो उससे भी वो मतलब वो भी एक्सपांड होगा तो वहां से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा? ना ना ना, इंटीरियर इंटीरियर है, एक्सटीरियर एक्सटीरियर है, ठीक है सर। बॉयंसी जब लेंगे इसको पूरा डिबा देंगे तब देखेंगे क्या होता है, वो उसमें देखेंगे, ठीक है। पहली बात इसको समझ लो, दूसरी बात ठीक, अब जरा देखो कि हमारा वो जो होता है थर्मोमीटर, उसमें क्या होता है, मिटा इसको, देखो थर्मोमीटर में क्या होता है, अगर तुम थर्मोमीटर को गौर से देखोगे, आजकल का नहीं डिजिटल वाला नहीं जो पहले हुआ करता था, उस थर्मोमीटर में क्या होता था कि एक बल्ब होता था इस टाइप से, उसको बल्ब बोलते हैं ऐसे करके, पहले हमारे तो थर्मोमीटर होता था वो एक ग्लास का इस तरह से हुआ करता था, इसको थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहे हैं क्लैरिटी के लिए, बहुत नैरो रहता है, इसमें मरकरी होता भरा हुआ, ये मान लो जीरो डिग्री पे, ये ग्लास है और ये मरकरी है, ये यहां पर होता है, हमको ये बताना जब टेम्परेचर थीटा डिग्री होगा तो मरकरी कहां दिखाई देगा, इसका एरिया ऑफ दिस दिया हुआ है ए नॉट,
ठीक है, इसका वॉल्यूम है वी नॉट। तो ये पता करना है कि जब टेम्परेचर हो जाएगा थीटा और इसका दिया हुआ है गामा ग्लास और इसका दिया हुआ है गामा एच जी, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन नेचुरल है। मरकरी का ज्यादा होगा तभी ये बाहर निकलेगा क्योंकि इसको इसमें से ओवरफ्लो करना है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा ये बताएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम सबसे पहले मरकरी की वॉल्यूम निकाल लेते हैं थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे। मरकरी की वॉल्यूम थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होगी वो होगी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मरकरी इंटू वन प्लस गामा मरकरी थीटा। यही हो ठीक है। इसकी जो वॉल्यूम होगी, ये जो पूरा वॉल्यूम है वो कितना बन जाएगा बताओ। वॉल्यूम ऑफ द बल्ब एट थीटा, ये जो बल्ब स्फेयर बल्ब स्फेरिकल बल्ब, ये हो जाएगा वी नॉट इंटू वन प्लस गामा ग्लास इंटू थीटा। सही है, ये ग्लास का बना हुआ है ना, ये ग्लास का बना हुआ है स्फेयर मान लो। तो ये जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड कर गया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एच जी एट थीटा माइनस वॉल्यूम ऑफ बल्ब एट थीटा वुड बी इक्वल टू वी नॉट इंटू गामा एच जी माइनस गामा ग्लास इंटू थीटा। सही है। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या हो गया, ओवरफ्लो कर गया, एक्स्ट्रा पार्ट है ये ना, ये पार्ट है, ये पूरा वॉल्यूम इसके इक्वल है। सही है। अब इस वॉल्यूम को किस बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना है, एरिया तो चेंज करेगा। ये होना चाहिए इक्वल टू, ये होना चाहिए इक्वल टू एरिया ऑफ एट थीटा, एरिया ऑफ द बेस एट थीटा इनटू हाइट ऑफ द मरकरी, एरिया ऑफ द बेस एट थीटा इनटू हाइट गेन। तो एरिया ऑफ द बेस कितना है बताओ, ये जो एरिया ऑफ द ट्यूब है सर्कुलर ट्यूब ग्लास ट्यूब, ये हो जाएगा एरिया नॉट इनटू वन प्लस बीटा ग्लास होगा, एरिया नॉट और ये ग्लास का बना हुआ था इनटू एच। यहां से आप देखेंगे कि आपका जो एच आएगा इन दोनों इक्वेट करने से जो हाइट आएगा वो आएगा वी नॉट बाय ए नॉट, वी नॉट बाय ए नॉट इंटू गामा एच जी माइनस गामा ग्लास इंटू थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस बीटा ग्लास इंटू थीटा। ये ना, और ये बात और है कि तुम चाहो तो ये इतना छोटा है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तुम इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हो वन के, क्योंकि वन से प्लस किया हुआ है इसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो लगभग यही आ जाएगा गामा एच जी माइनस गामा ग्लास इंटू थीटा। ठीक है, कम होता है, बहुत छोटा होता है, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहां तो इसमें ये बहुत छोटा, ये बहुत छोटा, छोटा माइनस छोटा, अच्छा, वो भी छोटा, हाँ ठीक है, ऐड करते तब नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पे बेस भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा। ठीक, एक और चीज मिटाए इसको, बैरोमीटर पढ़े हो, जो हीट पढ़ाएंगे जब चलेगा उसमें बैरोमेट्रिक, वो तो मेन फ्लूइड में ही आएगा, फ्लूइड में ही आएगा। ठीक है, बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है एच रोजी, क्या होता है एच रोजी जानते हो? हाँ सर। जब आप किसी लिक्विड में हाइट एच नीचे जाते हैं ग्रेविटी के डायरेक्शन में, जब किसी लिक्विड में आप बोलते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर, अगर आप किसी लिक्विड में
और अब एच हाइट नीचे जाते हैं, आप देखते हैं कि एच हाइट नीचे जाने में जो प्रेशर का चेंज होता है वो होता है एच रो जी, ठीक है ना। तो अगर इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इफ टेम्परेचर राइजेस लिक्विड एक्सपेंड्स, लिक्विड एक्सपेंड्स, डेंसिटी डिक्रीजेस। सो फॉर सेम हाइट डेल्टा पी ऑल्सो डिक्रीजेस, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं, मेरे पास दो लिम्स हैं, यहां पर मैंने मरकरी को डाल दिया है और यहां पर मैंने मरकरी को डाल दिया है, मतलब इस तरह से मैं दो तरह से मरकरी को दिखा रहा हूं, एक मरकरी तो ये था और दूसरा मरकरी मान लेते हैं ये है, ये जो मरकरी दिख रहा है ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये जो मरकरी दिख रहा है वो दिख रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों मरकरी ही है। इन दोनों में हाइट का डिफरेंस जो है, इन दोनों में हाइट का डिफरेंस जो है वो है 0.1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर, एग्जाम्पल ले रहा हूं मरकरी, दोनों में मरकरी है, दोनों में हाइट का डिफरेंस 0.1 मिलीमीटर, फाइन गामा मरकरी, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, जानते हो, जानते हो कि नहीं, जानते हो कि नहीं, सुन सो बताओ, कभी बैरोमेट्रिक इक्वेशन लिखे हो, क्या होगा, चलो इसको एक काम करो, एच रो जी इक्वल क्या लिखेंगे, इसकी टोटल हाइट मान लेते हैं 11 मिलीमीटर है, इसकी टोटल हाइट मान लेते हैं 10 मिलीमीटर है, सर लिख पाएंगे कैसे, सर पहले लिखेंगे पीएटीएम, पीएटीएम ओके, प्लस प्लस रो ऑफ एच जी एट 100 डिग्री सेल्सियस, रो एट रो जी एच माइनस, हाँ मतलब पहले यहां स्टार्ट किया, यहां प्रेशर था पी नॉट क्योंकि एटमोसफेयर के साथ कॉन्टेक्ट में है, यहां नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, यहां चले आए, ठीक, इतना प्रेशर हुआ, यस सर, यहां से यहां कोई प्रेशर का चेंज नहीं होगा, यस सर माइनस, माइनस तो प्लस जीरो माइनस रो नॉट, रो नॉट रो जी एच इज 10 मिलीमीटर अगेन पी नॉट, एक किरचॉफ का लॉ लग गया, जहां से चला घूम फिर के वहीं आ गया, जिस प्रेशर से चला उसी प्रेशर पे पहुंच गया, ये और ये कट गया, जी कट जाएगा, रो 100 × 1 मीटर, इसको लिख सकते हैं 11/10, 11/10 इज इक्वल टू रो नॉट बाय रो 100, एग्रीड, इसको लिख सकते हैं रो नॉट बाय रो नॉट इंटू 1 - γ mercury × 100, सही है, अगर 0 डिग्री पे ये होता तो ठीक है, या इसको हाँ ठीक है, इसको इसको कट कर दिए, इसको कर दिए 1 + γ hg × 100, ये हो गया कितना 1 + 1/10, ठीक है ना, 1 और 1 कट गया,
वन और वन कट गया, गामा एच जी इंटू 100 इज 1/10, गामा एच जी इंटू 100 इज 1/10, सो गामा एच जी इज 1/1000, एग्रीड? मैं ये भी कर सकता था तुमसे कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता कि यहां पर यहां से यहां तक का प्रेशर डिफरेंस कुछ है, यहां से यहां तक का प्रेशर डिफरेंस कुछ है किसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ गई, ठीक, टेम्परेचर अगर बढ़ गई तो डेंसिटी घट गई, तो सेम दो पॉइंट में प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। सेम दो पॉइंट में अगर हाइट सेम है, अगर हाइट सेम है, जी सेम है, अगर डेंसिटी घटाओगे तो प्रेशर का डिफरेंस भी घट जाएगा। मैं उसको मेंटेन करने के लिए जी को बढ़ाना चाह रहा हूं, डेंसिटी घट गई, बट मैं जी को बढ़ा दूं तो अगर डेंसिटी 1% घट जाए और जी 1% बढ़ जाए तो फिर से वही प्रेशर मिलेगा ना। और जी को चेंज करने के में बस बहुत सारा तरीका है, मैं उसको धरती के अंदर ले आ सकता हूँ, धरती के ऊपर ले आ सकता हूँ, मैं उसको लिफ्ट में एक्सेलरेट कर सकता हूँ। क्या हुआ? हाँ, हाइट चेंज कर सकता हूँ, मैं उसको धरती के सेंटर की तरफ ले जाऊं सरफेस डेप्थ में, तब भी जी घटेगा, सरफेस ऊपर ले हुआ तब भी जी घटेगा, ठीक है ना। अगर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में डाल दूंगा, एक लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करूंगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा, जी प्लस है। मैं तो ये पूछ सकता हूं कि अगर टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ गया, अगर यह टेम्परेचर 3 डिग्री घट गया, टेम्परेचर 3 डिग्री घट गया, 3 डिग्री ये बहुत छोटा अमाउंट से घट गया दिया हुआ है, अगर टेम्परेचर घट गया, डेंसिटी बढ़ गया, तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ रहा है, बट मैं प्रेशर डिफरेंस सेम चाह रहा हूं, तो जब टेम्परेचर घटेगा ये बढ़ेगा, मुझे इसको घटाना है ना, तो धरती के कितने हाइट पे लेके जाऊं तो कि फिर से प्रेशर वही आए, यानी ये ग्रेविटी, फ्लूइड मैकेनिक्स और क्या बोलेंगे इसको, हीट, तीनों मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, हालांकि स्ट्रेस और स्ट्रेन, देखो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, मतलब इलास्टिसिटी की जो टॉपिक है, केटीजी है, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, और ये टॉपिक थर्मल एक्सपेरिमेंट, ये सब मतलब इंटरमिक्स ही होता है, पहले कौन आता है बाद में कौन आता है बताना बड़ा मुश्किल होता है। मान लो मेरे पास एक टेबल के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ इस तरह से, दिस इज रॉड केप्ट एट द टेबल, दिस इज द रॉड केप्ट ऑन टेबल, इनफैक्ट ये स्मूथ टेबल और ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मान लो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर क्या कहलाएगी, इसकी नेचुरल लेंथ कहलाएगी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर आज के डेट में 40 डिग्री सेंटीग्रेड है यार, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये ऐसे रखा हुआ था, और आज के डेट में टेम्परेचर जो है बढ़ के हो गया है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या करेगा, इस चूंकि ये फ्री है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा अपनी लेंथ बढ़ा के कर लेगा 10.1 सेंटीमीटर, इमेजिन करो, अगर ये ज्यादा है तो 10.01 ले लो, तो इस टेम्परेचर पे इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है 10.01, इस टेम्परेचर पे इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ 10.01 है और ये 10.01 पे ही है, तो अभी इसमें स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं है, सही रहो ना, नो स्ट्रेस और स्ट्रेन, क्योंकि अभी भी इसका नेचुरल लेंथ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे
ये अपने लेंथ को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम लेंथ पे अपना खुद एडजस्ट करता रहेगा। प्रॉब्लम कब होता है, अगर हम इसको यहां बांध दें, हम एक रॉड को लें और इस रॉड को इन दो वॉल्स के बीच में 0 डिग्री पे इसको फिक्स कर दें। अभी इसमें नेचुरल लेंथ है, इन दोनों वॉल के बीच का गैप है 10 सेंटीमीटर, अभी ये इसका नेचुरल लेंथ है। अब सोचो आज के डेट में टेम्परेचर 40 डिग्री है, आज जब टेम्परेचर 40 डिग्री है तो इसको होना तो इतना चाहिए था, अगर ये फ्री होता तो इतना होता होता ना, बट ये हो तो नहीं पाया, ये एक्सपेंड करना चाहा बट दीवार ने इसको रोक दिया। इसका मतलब है इन दिस केस इसका नेचुरल लेंथ होना चाहिए था 10.01 सेंटीमीटर, बट अभी भी इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। सो इट इज इन ए स्टेट ऑफ कंप्रेशन, ये कंप्रेशन के स्टेट में है। एक ऐसा स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ इस टेम्परेचर पे होना था 10.1, बट ये एक्चुअली 10 पे ही है, तो इट इज इन ए स्टेट ऑफ कंप्रेशन। सिमिलरली हम इसकी बात करें, अगर टेम्परेचर हो जाता ये था 0 -40, और टेम्परेचर होता -40 ये थोड़ा सा कंप्रेस कर जाता, बट ये कंप्रेस नहीं कर पाया। इसका लेंथ होता -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका नेचुरल लेंथ होना चाहिए था, इसका नेचुरल होना चाहिए था सपोज 9.99 सेंटीमीटर, बट ये चूंकि यहां फिक्स है रिजिडली, ये यहां से चल नहीं पाया, तो ये इसका नेचुरल लेंथ होना चाहिए बट एक्चुअल लेंथ ये है। इसका मतलब इट इन स्टेट ऑफ एलोंगेशन, इट इन स्टेट ऑफ एलोंगेशन स्टेट है ना। अब इनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन है, तो कैसे निकालेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता था चेंज इन लेंथ पर इट ओरिजिनल लेंथ, याद है? हाँ सर, यस सर। हम जानते हैं डीएल बाय एल डी थीटा किसके इक्वल है, अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा, स्ट्रेन हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा, एग्रीड? हाँ, इसमें मतलब लैटरल अगर कंप्रेशन में एलोंगेशन हो तो भी उसका स्ट्रेस स्ट्रेन वही रहेगा। हाँ वही रहेगा, उससे वो नहीं हो पाएगा, नहीं, अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, देखिए स्ट्रेन, तुम जानते हो स्ट्रेस होता है, तुम जानते हो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सो स्ट्रेस कितना हो जाएगा बताओ, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यानी कितना हो गया यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल वाई एल मीन्स अल्फा डेल्टा थीटा, ये होगा स्ट्रेस। बट स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर नेट एरिया, इसके अंदर जो टेंशन का फोर्स, क्योंकि ये कंप्रेस्ड है इसमें बाहर की तरफ फोर्स ऐड कर रहा है जो इसको नेचुरल लेंथ पे लाना चाह रहा है, चूंकि ये एलोंगेटेड है इसके दोनों एंड पे स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स है जो इसको नेचुरल लेंथ पे लाना चाह रहा है, ये जो फोर्स होगा ये हो जाएगा एफ बाई ए y into alpha into delta theta, इसीलिए जो फोर्स डेवलप करेगा that is equal to y a alpha delta theta, सही है? Yes sir. Yes sir. तो तुम्हारे क्वेश्चन में या तो फोर्स दिया होगा यंग्स मॉडुलस पूछेगा, या फिर यंग्स मॉडुलस दिया रहेगा और फोर्स पूछेगा, ठीक है, तो ये हो गया इस केस में लीनियर केस में। अगर यही केस होता बल्क वाला केस, बल्क वाला मतलब समझो बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस में होता क्या है, हम कहते हैं कि बल्क मॉडुलस समझना है उसका ये होता है, एक फुटबॉल जैसा है, कोई मेरे पास सॉलिड, एक सॉलिड स्फीयर या कोई भी चीज है, इलास्टिक है,
अगर चारों तरफ से दबाएंगे, चारों तरफ से उसको दबाएंगे तो ये कॉम्प्रेस हो जाता है। क्या हो रहा है, दबा रहे, क्या बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं। तो जब आप इसके ऊपर यहां से एक फोर्स लगाते हैं, जब यहां आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, हर फोर्स परपेंडिकुलर है, हर फोर्स परपेंडिकुलर है, और हम इस फोर्स को कह रहे हैं डी एफ बाई डी ए। इस छोटे से एरिया पे जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं एक्स्ट्रा डी एफ बाई डी ए, इसको हम बोलते हैं डीपी। क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन सराउंडिंग प्रेशर। इसको आप कहते हैं चेंज इन सराउंडिंग प्रेशर। तो उससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम घट जाएगा, इसका वॉल्यूम घट जाएगा। यू वुड गेट ए वॉल्यूम लाइक दिस, यू वुड गेट ए वॉल्यूम लाइक दिस। तुमको एक इस टाइप से एक वॉल्यूम मिलेगा। कैसा मिलेगा तुमको, एक इस टाइप से एक वॉल्यूम मिलेगा। इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम, जब ये प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं लगाए थे, जब ये प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं लगाए थे, जब बाहर का प्रेशर था पी नॉट, तो इसकी वॉल्यूम थी वी नॉट, टोटल वॉल्यूम थी वी नॉट। जब तुमने बाहर का प्रेशर कर दिया पी नॉट प्लस डीपी, तो इसकी वॉल्यूम घट के कितनी हो जाएगी, वी नॉट माइनस डीपी होगा ना। अब मान लो ये इलास्टिक बॉडी है, फुटबॉल है, तुम दबाए हुए हो चारों तरफ से, जैसे तुमने हाथ को हटाओगे, अरे इलास्टिक बॉडी है, ये वापस क्या करेगा, अपना शेप रीगेन कर लेगा। क्योंकि इसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स ऐड कर रहा था, इसके इक्वल में कोई एक रेस्टोरिंग फोर्स ऐड कर रहा था। दिस रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट नॉर्मल सरफेस इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो इस केस में स्ट्रेस जो होता है बोलते हैं बल्क स्ट्रेस, ये होता है डी एफ परपेंडिकुलर बाय डी ए, ये होता है नथिंग बट चेंज इन प्रेशर, नथिंग बट चेंज इन सराउंडिंग प्रेशर। सराउंडिंग प्रेशर का चेंज ही यहां स्ट्रेस होता है, ठीक है, एग्रीड। बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये स्ट्रेन होता है, हाँ सॉरी, हाँ स्ट्रेस होता है, सही है, स्ट्रेन होता है डीवी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट। इसीलिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। यहां माइनस साइन डाल रहे हैं क्योंकि बल्क मॉडुलस को पॉजिटिव जो है रहता है, और जब भी डीपी पॉजिटिव होगा सराउंडिंग प्रेशर बढ़ाओगे, डीवी नेगेटिव होगा। तो यहां पर जाए तो बल्क मॉडुलस इज माइनस वी डीपी बाई डीवी, याद रहेगा सबको, याद रख लो, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे इसको यूज करेंगे, आइसोबारिक आइसोकोरिक आइसोथर्मल सब में बल्क मॉडुलस डिफरेंट आता है, पोलिट्रॉपिक माइनस वी डीपी बाई डीवी, माइनस वी डीपी बाई डीवी, ठीक है। तो अब समझो तुम्हारा, जब मैं यहां पे लौट रहा हूं तो तुम्हारे पास एक मटेरियल है, और उस मटेरियल में तुम्हारे पास ये तुम्हारा आया था वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। अब मान लो तुम्हारे पास कभी ऐसा हो कि ये एक इलास्टिक बॉडी है, ये एक स्फेयर है, इसका एक्सपेंशन कोफिशियंट है, अगर ये फ्री है, फ्री है मतलब क्या, जब टेम्परेचर बढ़ा बड़ा हो गया, जब टेम्परेचर घटा छोटा हो गया, अपने आप फ्री एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, तो इसमें कभी स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होगा, ये हमेशा अपने नेचुरल वॉल्यूम पे रहेगा। जीरो डिग्री पे इसकी पर्टिकुलर रेडियस है उस पे है, 40 डिग्री पे इसकी जो है रेडियस जो होनी चाहिए उसी पे होगा, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, तो वहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होगा जैसे यहां पर नहीं होता था, अगर रॉड फ्री है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम इसको फिक्स कर दें, हम इसको जीरो डिग्री पे लाएं और इसको एक कंक्रीट वॉल के अंदर फिक्स कर दें, और हम इसको क्या करें, एक कैविटी के अंदर फिक्स कर दें, हम किसी कारण से किसी तरह से क्या करें, इसको एक जस्ट कैविटी के अंदर इसको हम सेट कर दें। जीरो डिग्री पे इसको हम क्या कर रहे हैं, सेट इनटू ए कैविटी। अब मैं कह रहा हूं जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैविटी एक्सपेंड नहीं कर रहा है, बट ये एक्सपेंड करता, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ा
set into a cavity that do not expand. Cavity do not expand. तो अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैविटी का साइज तो वही रहेगा भाई, कैविटी का साइज तो वही रहेगा, इसको तो हो जाना चाहिए था कैविटी से बड़ा, बट ये नहीं हो पाया, नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये उस समय जो इसकी नेचुरल वॉल्यूम होनी चाहिए उससे कॉम्प्रेस स्टेट में है। फाइंड द स्ट्रेस, अगर इसकी बल्क मॉडुलस बी दी हुई है तो इस टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, ये इस दीवार को बहुत जोर से पुश कर रहा होगा, इस पूरी बाउंड्री को बहुत ज्यादा फोर्स से तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, और ये बाउंड्री कमजोर होगा तो टूट भी जाएगा, और ये बाउंड्री को पुश कर रहा होगा, बाउंड्री इसको पुश कर रहा होगा, इसकी वजह से यहां एक बहुत ज्यादा एक म्यूचुअल रिपल्सिव का फोर्स होगा, पुश एंड पुल का, पुश का फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स, इसको बोलेंगे स्ट्रेस। हमको बताना है यहां स्ट्रेस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अगर इसकी वॉल्यूम वी नॉट थी, हम लिख देंगे सीधे फॉर्मूला जो कि बल्क मॉडुलस है, एक ही फॉर्मूला हमेशा लगता है इन सब क्वेश्चंस में, हमें जब क्वेश्चन बनाते हैं उसका एक तरीका होता है हर क्वेश्चन का फिजिक्स में, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी बाई डीवी, पहले ये लिख लो, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, डीपी निकालना है, डीवी बाई वी क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा थीटा, एग्रीड, डीवी बाई वी इज इक्वल टू गामा डी थीटा, सही है, तो डी बाई वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा डीपी बाय गामा डी थीटा, सो डीपी हो जाएगा वर्क मॉडुलस इंटू गामा इंटू डी थीटा, ये उसमें स्ट्रेस डेवलप करेगा, ये उसमें स्ट्रेस डेवलप करेगा, ये उसमें स्ट्रेस डेवलप करेगा, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है इस तरह से, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, समझ, जब इलास्टिसिटी पढ़ाएंगे सब कुछ बताएंगे ही। हाँ बताओ, ये स्फीयर वाले में अगर दो साइड से पुश करा है तो फिर उसका दो साइड से मतलब जैसे हाथ से पुश करा कि मतलब हर जगह पे उतना प्रेशर नहीं है, हाथ से नहीं हो पाता है, हाथ से पॉसिबल नहीं है, तुम हाथ से इक्वल प्रेशर, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इसको देने का सबसे अच्छा तरीका है या तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दो, मेरे पास एक फुटबॉल है, एक बैलून है, और बैलून जो है एक डब्बे में बंद है, और मैं उस डब्बे से एयर को निकालना शुरू कर दूंगा, उसको इवैक्यूएट करना शुरू कर दूंगा, तुम देखोगे बैलून बड़ा हो रहा है, और अगर मैं उसमें एयर को डालता जाऊंगा, प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, बैलून सिकुड़ता जाएगा, क्योंकि जो एयर प्रेशर वो हर जगह इक्वल लगाता है, नॉर्मल लगाता है, लेकिन जब मैं उसको हाथ दबाता हूं तो स्फेरिकल नहीं रह के कुछ, जहां पे मेरा फिंगर वहां ज्यादा दबता है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट शेप हो जाता है। यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे नॉन यूनिफॉर्म, नहीं कर पाओगे, न्यूटन्स लॉ को तुम वायलेट नहीं करा सकते हो, यही तुम करते हो ना पास्कल्स लॉ में, पास्कल्स लॉ में तुम क्या करते हो कि कहीं पे पिस्टन से दबाते हो, एनी चेंज इन प्रेशर क्रिएटेड एट एनी पॉइंट, एवरी पॉइंट्स प्रेशर चेंजिंग द सेम अमाउंट, जब फ्लूइड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। अब देखो तो ये एक हो गया तुम्हारा, ओके, अब इसमें जब थर्मल स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेन है, उसमें एनर्जी स्टोर भी होगा, और कितना होता है वो सब बाद में देखेंगे, वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम एक चीज बात करते हैं, वो है हमारा, अब हमारा जो है एक चीज है वो है स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, चलो इसको अगर डिराइव कर लेते हैं, अभी इसको डिराइव कर लेते हैं, और जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं सेम डेरिवेशन एज इट इज वैलिड होता है, कहां पे, रेसिस्टिविटी के केस में, हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो हमारा फॉर्मूला बेसिक जो था वो कहां से आया था और क्यों आया था, तो हम ये कह रहे हैं, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड,
एंड दैट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला डेरिवेशन. और इसमें क्या स्पेशल केस है, कहां कहां क्या क्या स्पेशल कंडीशन लगता है. फॉर्मूला डेरिवेशन जो है वैलिड सेम वैलिड फॉर रेसिस्टिविटी ऑल्सो. खाली एल की जगह क्या डाल दोगे, रो डाल दोगे. एल की जगह क्या डाल दोगे, रो डाल दोगे और कुछ नहीं. लेंथ की जगह क्या डाल दोगे, रेसिस्टिविटी डाल दोगे. ये लेंथ है जो यहां ले रहे हैं, वहां तुम क्या डाल दोगे, इसको रेसिस्टिविटी डाल दोगे. ठीक. मान लो तुम किसी चीज को एक्सपेंड कर रहे हो टेम्परेचर के साथ, ये इसकी लेंथ और ये टेम्परेचर का तुम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो. किसी एक पर्टिकुलर रॉड का तुम टेम्परेचर और लेंथ के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, और वो ग्राफ कुछ हो सकता है इस टाइप से आ रहा हो, और वो ग्राफ हो सकता है कुछ इस टाइप से आ रहा हो. तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे अगर तुम देखो तो जब टेम्परेचर थीटा था, केल्विन में दिया है तो उसमें लेंगे, और उसमें दिया इसमें लेंगे, थीटा था तो मान लो इसका लेंथ एल था. जब टेम्परेचर बढ़ के हो गया थीटा प्लस डी थीटा, बहुत छोटा अमाउंट, बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं. जब थीटा बढ़ के हो गया थीटा प्लस डी थीटा, तो लेंथ बढ़ के क्या हो गया, एल प्लस डी एल. अगर तुम देखो इसको छोटा सा टुकड़ा, इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं. हम इस पॉइंट पे अल्फा एज फंक्शन ऑफ थीटा डिफाइन करते हैं. हम इस पॉइंट पे, लोकल पॉइंट पे, उस इंस्टेंटेनियस लोकल पॉइंट पे, यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या थी, ये थी चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट दैट पॉइंट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. एग्रीड? ये इसका यूनिवर्सल डिफिनेशन है, ये इसका यूनिवर्सल, ये हमेशा वैलिड है. डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, दोनों केस में दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल. ये ऑलवेज एप्लीकेबल होता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑलवेज होता है, बाकी सब उसके स्पेशल केस निकलते हैं. तो अगर कुछ नहीं दिया है तो यहां से स्टार्ट होता है, ये अल्फा एज फंक्शन ऑफ थीटा है. अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डीएल बाई एल इज इक्वल टू बीएल बाई एल. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फ्रैक्शनल चेंज है, जो अभी चिप लेंथ था और जो थोड़ा सा लेंथ बदला, बदलाव बाय प्रीवियस, जो बेस वैल्यू है और जो चेंज हुआ, चेंज बाय बेस वैल्यू, फ्रैक्शनल चेंज, ये हो जाएगा इक्वल टू अल्फा एज फंक्शन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा. एग्रीड? इंटीग्रेट कर दो. जब थीटा था मान लेते हैं दिया होगा 0 डिग्री, ये था एल नॉट. जब थीटा था थीटा, ये है एल थीटा, ये कितना हो जाएगा, एल एन एल थीटा बाय एल नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अल्फा थीटा डी थीटा 0 टू थीटा. एग्री? अब यहां दो केसेस होते हैं. पहला केस, इफ अल्फा इज फंक्शन ऑफ थीटा देन इंटीग्रेटेड. इफ अल्फा इज फंक्शन ऑफ थीटा, जैसे थीटा स्क्वायर माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ई टू द पावर थीटा एल एन थीटा कुछ भी दिया है, अगर अल्फा फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, आप इसको इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू निकालेंगे. जैसे ये मान लो थीटा स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा थीटा क्यूब बाय 3 होगा ना. इफ अल्फा इज गिवन नॉट कॉन्स्टेंट इज फंक्शन ऑफ थीटा देन इंटीग्रेट. देन दैट केस योर एल थीटा वुड बिकम इक्वल टू एल नॉट इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 0 टू थीटा अल्फा इज फंक्शन ऑफ थीटा डी थीटा. सही है ना? चलो अब यहां आ जाओ. इफ अल्फा इज कॉन्स्टेंट नॉट डिपेंडेंट ऑन थीटा, इनडिपेंडेंट ऑफ थीटा, कोई भी वैल्यू बट कॉन्स्टेंट हो, थीटा पे का फंक्शन ना हो, अगर अल्फा की वैल्यू कॉन्स्टेंट, ये बाहर निकल जाएगा, तो उस केस में हो जाएगा एल थीटा एल एन एल थीटा
बाय एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा थीटा, यहां से आएगा एल थीटा इज इक्वल टू एल नॉट ई टू द पावर अल्फा थीटा, एग्रीड? अब अगर अल्फा इस कांस्टेंट भी है, अगर अल्फा कुछ भी नहीं है फंक्शन, तो ये रास्ता अलग हो गया, ये कांस्टेंट था तो यहां तक पहुंचे। इसके बाद अगर अल्फा कांस्टेंट तो है ही, ऑल्सो अल्फा थीटा इज वेरी 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 लेस देन वन, अल्फा थीटा बहुत छोटा है, तो एल थीटा को लिख सकते हो। पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, कितना है बताओ, वन प्लस अल्फा थीटा बाय फैक्टोरियल वन प्लस अल्फा थीटा होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू, ये ना प्लस प्लस प्लस, बिकॉज अल्फा थीटा बहुत छोटा है, ये सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा एल थीटा बताओ, एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा थीटा आएगा ना। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, एक तो अल्फा कांस्टेंट हो, एक तो अल्फा कांस्टेंट हो, दूसरा अल्फा थीटा बहुत 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 छोटा हो वन से, एग्रीड? yes, यही चीज रेजिस्टिविटी में होता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वन प्लस अल्फा थीटा, डी रो बाय रो डी थीटा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछूं, अल्फा की वैल्यू दी हुई है थीटा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू दी हुई थीटा स्क्वायर, या काम करते नया क्वेश्चन बनाते हैं, माइनस थीटा, अल्फा की वैल्यू दी थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, एग्रीड? जीरो डिग्री स्टार्ट हुए हैं, जीरो डिग्री से स्टार्ट हुए हैं, बढ़ रहे हैं, फाइंड द टेम्परेचर एट विच एल इज मैक्सिमम, कुछ होगा या चलो जो भी रहने दो वो कर सकते हैं। ये बताओ, अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि अल्फा की वैल्यू है 10^-2 पर डिग्री सेंटीग्रेड और थीटा की का चेंज इन टेम्परेचर है 100°C, एल एट 0° दिया हुआ है, तो एल थीटा कितना टाइम्स ऑफ एल नॉट होगा बताओ, यही यूज करोगे ही, ये यूज नहीं कर सकते हो। yes. क्योंकि देखो अल्फा कांस्टेंट, ये तो सही है, अल्फा कांस्टेंट है ये तो सही है, बट अल्फा इंटू थीटा कितना आ रहा है, वन, क्या ये बहुत छोटा है, क्या तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो? no, तो ये हो जाएगा ई टाइम्स ऑफ एल नॉट, अगर इस फॉर्मूले से जाओगे तो देगा 2 times of L0 देगा ना, इस फॉर्मूले से जाएंगे तो एल थीटा वन है, वन प्लस वन टू डबल हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये फॉर्मूला यहां वैलिड है, ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसकी वैल्यू वन आ रही है, वन इज नॉट वेरी 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 लेस देन वन, तो हो जाएगा सिंपल ई टू द पावर वन टाइम्स ऑफ एल नॉट 2.7 लगभग, सही है ना। और तुम यहां पर चूंकि ये इस फॉर्म में है, जब भी तुम डिवाइड करते हो, जब भी तुम डिवाइड करते हो सीधे पावर डिवाइड हो जाता है, जैसे ये मान लो कि तुम्हारा अगर ये वैलिड है, इमेजिन करो ये अगर तुम्हारा वैलिड है, ये वैलिड ना भी हो, तो उस केस में अगर तुम L1 by L2 करोगे मटेरियल 1 by मटेरियल 2 का, तो क्या आएगा बताओ, अल्फा 1 थीटा by अल्फा 2 थीटा आएगा ना। yes, sir. तो हो जाएगा e to the power अल्फा 1 minus अल्फा 2 थीटा,
तो यहां पर तुम सीधे ये कर सकते हो, भले ये वैलिड ना भी हो, कि तुमको अगर अल्फा इफेक्टिव निकालना, जैसे हम किए थे, जैसे मान लो कि मैं ये जानना चाहता हूं कि एक स्क्रीनशॉट है, ले लो, मान लो मेरे पास एक क्यूब है, हाँ मेरे पास मान लो एक क्यूब है, इसकी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में अल्फा अलग अलग है, ये अल्फा एक्स है, ये अल्फा वाई है और ये अल्फा जेड है, और मैं कह रहा हूं कि अल्फा एक्स इंटू थीटा इज इक्वल टू वन, अल्फा वाई इंटू थीटा इज इक्वल टू टू एंड अल्फा जेड इंटू थीटा इज इक्वल टू थ्री। मैं जानना चाहता हूं कि इसका वॉल्यूम अगर जीरो डिग्री पे इसकी वॉल्यूम एल नॉट है तो थीटा डिग्री पे इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, क्या मैं लिख सकता हूं वी थीटा इज इक्वल टू एल नॉट ई टू द पावर अल्फा थीटा, अल्फा का मतलब हा वन यानी वन, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्स साइड, एक्स वाली साइड का, दूसरा हो जाएगा एल नॉट ई टू द पावर टू वाई वाले साइड का और एल नॉट ई टू द पावर थ्री जेड वाले साइड का, होगा ना? तो ये तीनों मिलकर कितना हो गया वी नॉट, और ई टू द पावर क्या होगा, सीधे पावर को जोड़ दो सिक्स, तो तुम लिख सकते हो इसकी ई टू द पावर सिक्स थीटा होगा। तो अगर कभी इस टाइप से पूछता है कि बेसिक से या अल्फा फंक्शन देखे, या एक काम करो जनरली एडवांस में एक बार बस चेक कर लेना कि क्या अल्फा इंटू थीटा फंक्शन देता था, तुम वैसे भी तुमको पता तुम गलती नहीं करोगे, अल्फा इंटू थीटा क्या वन से बहुत छोटा है, नहीं है तो ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है? चलिए मिटाए, क्या चीज इसके इजी होते हैं। ये पैसेज जो दिख रहा है आईआईटी में जब एआई ट्रिपल ई हो रहा था, तो एक ऐसा साल था, मुझे याद नहीं 2008 था या 11 था, एक ऐसा साल था कि आईआईटी ने उसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में डाल दिए थे, एआई ट्रिपल ई की बात कर रहा हूं, एआई ट्रिपल ई में एक बार यही पैसेज उठा के दे दिया था एज इट इज। अब देखो हमने ये चैप्टर तो कर लिया, अभी बहुत सारा चीज है कि जब हम करते जाएंगे तो खत्म ही नहीं होगा, ये भी तो एक बड़ी बात है, क्वेश्चंस मिलेंगे उसको हम करते जाएंगे। एक टेम्परेचर स्केल होता है, वो सिलेबस में है क्या? टेम्परेचर स्केल्स है क्या सिलेबस में, क्वेश्चन देखे हो कभी? चलो देख लेते हैं, टेम्परेचर स्केल होते हैं और ये जीरोथ लॉ पे बेस्ड होता है। बस मैं इतना लिख देता हूं टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं, वो हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक स्केल यूज करते हैं। अब टेम्परेचर तुम डायरेक्ट तो मेजर करोगे नहीं, हम कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी ढूंढते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो। वी फाइंड ए प्रॉपर्टी एक्स, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, लेंथ हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी एक्स दैट वेरीज लीनियरली विथ टेम्परेचर, कोई भी चीज निकाल लो, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, दिस एक्स कैन बी प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, लेंथ ऑफ ए रॉड, लेंथ ऑफ ए मर्करी कॉलम,
एरिया, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कुछ भी हो सकता है। अब हम मेजर इसको करते हैं, निकालते हैं इसको, मेजर इसको करते हैं और पता इसको करते हैं, टेम्परेचर को मेजर इन क्वांटिटी करते हैं, बताते हैं टेम्परेचर। जैसे मान लो मेरे पास एक रॉड है और उसकी लेंथ इस तरह वेरी कर रही है, तो मैं जानता हूं कि जब इसकी टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर थी, मान लो इसकी कोई टेम्परेचर थी, मान लेते हैं किसी रॉड की लेंथ इस तरह से वेरी कर रही है, मान लेते हैं जब इसकी टेम्परेचर 0 डिग्री थी, इसकी लेंथ एल नॉट थी, हम इसकी लेंथ जानते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन फैशन वेरी, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, एम थीटा प्लस सी, एम इज द स्लोप एंड सी इज द इंटरसेप्ट, एक्स वेरीज विथ थीटा, एक्स वेरीज विथ थीटा एज एक्स इज इक्वल टू एम थीटा प्लस सी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पर हम जानते हैं कि जब थीटा की वैल्यू कुछ थी तो इसकी वैल्यू कुछ थी, इसकी वैल्यू कुछ है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर हम दो पॉइंट इसके निकाल लें, क्या हम ये कह सकते हैं जब हम इसको हाफ पे लाएंगे, अगर 0 डिग्री पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे पता है इसकी लेंथ कितनी थी, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 100 डिग्री पे भी पता है इसकी लेंथ की जो थी कितनी थी, मान लेते हैं ये मान लो 5 सेंटीमीटर थी और ये मान लो 6 सेंटीमीटर थी और ये लीनियरली वेरी कर रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जब इसकी लेंथ 5.5 होगी तो टेम्परेचर 50 डिग्री रही होगी। तो हम इसे कोई सब किसी भी स्केल से बना सकते हैं, और स्केल पढ़ाने का मेरा मूड अभी है नहीं, क्योंकि मुझे स्केल पढ़ाना बहुत बेकार सा काम लगता है, लेकिन फिर भी तुम बता देते हैं, तुम कोई भी स्केल बनाओ, हमको यहां दो फिक्स पॉइंट, हमको दो पॉइंट निकल जाए सही से, अगर दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहला लीनियरली वेरी करे, वो प्रॉपर्टी थीटा के साथ लीनियरली वेरी करना चाहिए, क्वाड्रेटिक या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक नहीं, स्ट्रेट लाइन फैशन में। दूसरा, Any two known points are sufficient to make temperature scale. वो दो known point physics में जो सबसे easily available है वो है ice point और boiling point। हम क्या करते हैं, एक चीज को इसमें डालते हैं, ये थर्मोमीटर हो या कोई भी क्वांटिटी हो, हम इसको पहले क्या करते हैं, मेल्टिंग आइस में डालते हैं। मेल्टिंग आइस की खासियत क्या होती है कि इसकी टेम्परेचर 0 डिग्री फिक्स्ड होती है, इसकी एक फिक्स्ड टेम्परेचर होती है। क्यों होती है फिक्स्ड? कोई भी हीट दोगे, कोई भी हीट वाटर को दोगे कि वाटर तुमको गर्म कर रहे हैं, वाटर पूरा का पूरा हीट आइस को ट्रांसफर कर देगा। तुम कोई भी हीट आइस को दोगे, सॉरी वाटर को दोगे, वो हीट कहां जाएगा? आइस को जाएगा। वाटर आइस तब तक नहीं लेगा जब तक पूरा आइस मेल्ट ना कर जाए। वाटर तब तक कोई हीट अपने पास नहीं रखेगा जब तक पूरा आइस ना मेल्ट, यानी कि जब तक ये आइस मेल्ट ना हो जाए पूरा, तुम वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते हो। तो जब भी तुम कोई हीट इसको दोगे, वो सारा हीट जाएगा और थोड़ा सा और आइस मेल्ट हो जाएगा, टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। और जब भी तुम इसे थोड़ा सा हीट खींचोगे आइस से, कि आइस का टेम्परेचर 0 से घट के कितना हो जाए, -1 डिग्री, आइस क्या करेगा, ये सारा हीट ये किससे खींच लेगा, वाटर से, थोड़ा सा और वाटर आइस बन जाएगा। यानी जब तक पूरा मेल्ट ना कर जाए, जब तक सारा आइस मेल्ट ना कर जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता है। जब तक पूरा आइस मेल्ट ना कर जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता है। और जब तक पूरा वाटर सॉलिड ना बन जाए, इसका टेम्परेचर घट नहीं सकता है। यानी ये बहुत, ये जो है किसी भी हीट को देने या लेने में, अगर ये पार्शियल जो है मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर है, इसकी टेम्परेचर फिक्स हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है। मान लो मैंने इसमें लिया और मुझे यहां पर एक पर्टिकुलर लेंथ आया, मरकरी या कुछ भी है या कोई भी क्वांटिटी है, मैं इसको बोलता हूं एक्स, एक्स वो जो क्वांटिटी है, जब ये मेल्टिंग आइस में डाला तो इसकी लेंथ मैंने क्या देखी, इसकी लेंथ जो है मैंने देखी, जो ये फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू, इसको बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। फिर मैंने क्या किया,
मैंने इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, मैंने इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, इसका भी टेम्परेचर फिक्स, जब तक पूरा वाटर बॉइल नहीं करेगा तब तक इसका, जब तक सारा वेपर नहीं बनेगा इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और जब तक सारा, और जब तक सारा वेपर कंडेंस नहीं होगा इसका टेम्परेचर नहीं घटेगा। कोई भी हीट दोगे वो वेपर को दोगे, वो वाटर को देके वेपर बना देगा, कोई भी हीट लोगे वाटर से तो वो नहीं देगा, वाटर यहां जाएगा थोड़ा सा, ये वाटर में कंडेंस है, इसका टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। ये मान लो यहां तक आ गया, इसको हम बोल रहे हैं द वैल्यू एट अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो अगर मैं इसको एक टेम्परेचर नाम दे दूं और इसको एक नाम दे दूं, और ये जो भी क्वांटिटी है वो लीनियरली वेरी कर रहा था, मैं इसको दे रहा हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको दे रहा हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कर सकता हूं? मतलब मैं कह रहा हूं जब ये 0 डिग्री था तो ये वैल्यू था, जब 100 डिग्री था ये वैल्यू था। अब मुझे अगर कभी ऐसा कोई चीज आ जाए जो मेरे पास अननोन टेम्परेचर है, मेरे पास किसी चीज का टेम्परेचर अननोन है, बट ये लेंथ मैं मेजर कर सकता हूं, ये लेंथ मैं मेजर कर सकता हूं, ये मैं मेजर करके देख सकता हूं कि ये वैल्यू कितना है, मेजरेबल है, तो क्या मैं टेम्परेचर पता कर सकता हूं? Yes. अगर मैं इसको मेजर कर लूं तो क्या मैं इसको पता कर लूंगा? कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा 0 से यहां तक गए, इतने डिग्री का राइज में इतना का चेंज, यहां से यहां टेम्परेचर राइज, तो यहां से यहां इसका चेंज। इसका मतलब हो गया बताओ, 100 डिग्री का राइज होने के लिए इस क्वांटिटी को बदलना पड़ता है x अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस x लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसीलिए यूनिट डिग्री के लिए, या अगर हमको यह पता है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं इसके यूनिट चेंज के लिए हो जाएगा 100 बाय x अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस x लोअर फिक्स्ड पॉइंट, होगा ना? इसीलिए यहां से जब तुम यहां तक गए हो तो कितने का चेंज आया है, कितने का चेंज आया है यहां से जब तुम यहां तक गए हो एक्चुअली में, यहां कितने का चेंज आया है, इतने का ही ना। तो ये बताओ अगर मैं यहां पे डाल दूं x माइनस x लोअर फिक्स्ड पॉइंट तो टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, x माइनस x लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय x अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस x लोअर फिक्स्ड पॉइंट इंटू 100, सही है? ये तो लोग पढ़े होंगे पहले भी, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा। तो समझो हम करते क्या है, चार पांच स्केल बनाए, उसमें क्या होता है, तो हम जो कह रहे हैं उसको बस फिर से बता रहा हूं, मैं टेम्परेचर स्केल पढ़ा नहीं रहा हूं, नहीं तो फिर मैं पढ़ा नहीं लूंगा, सिलेबस भी मुझे खत्म करना है, और मुझे लगता है टेम्परेचर स्केल सिलेबस में है नहीं, फिर भी एज ए गुड जो है जो भी है, मतलब तुम अगर एक जागरूक पर्सन हो तो वो पता होना चाहिए टेम्परेचर स्केल सब क्या होता है, कभी कभी बच्चे पूछ देते हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं x माइनस x लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय x अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस x लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल्स For all scales whose upper and lower fixed point are, ये सेम है, आएगा ये सेम सबके लिए, और क्यों आएगा समझते हैं क्यों आएगा। कोई भी फंक्शन हो, तुम्हारा एक है बॉइलिंग पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट क्या है तुम्हारा, मान लो सब में है, तुमने पांच स्केल बनाए हैं, बट पांचों स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है, जो लोअर एक दो टेम्परेचर तो नॉन चाहिए, एक नॉन टेम्परेचर तुमने लिया है मेल्टिंग आइस और एक लिया है बॉइलिंग वाटर, एग्रीड? तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है टोटल जर्नी, ये बता रहा है
आइस पॉइंट से लेकर के स्टीम पॉइंट तक का डिस्टेंस, और ये बता रहा है आइस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। एग्रीड? ये रेशियो तो समय सेम रहेगा ना। इमेजिन करो मैंने एक स्केल बनाया और मैंने कहा उस स्केल में कि जो आइस पॉइंट था और जो स्टीम पॉइंट था, मैंने यहां इसकी वैल्यू दी, यहां मैंने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी 20 और यहां मैंने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी 100 एक स्केल में, स्केल वन में। स्केल टू में मैंने इसकी वैल्यू दी 50, इसकी वैल्यू दी 40, सॉरी 60, अग्री? कुछ भी दे सकते हो, माइनस भी पॉसिबल है। तो ये बताओ यहां से यहां की जर्नी कितना? 80। इसके मिड पॉइंट पे क्या? 60 माइनस 40। तो क्या इसका 60, क्या इस पहले स्केल का 60 और इस स्केल का 55 कोइंसाइड करेगा? क्यों करेगा? हाँ, वो तो है, लीनियर तो है। यहां से यहां का जर्नी तो सेम है, तुम न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर रहे हो। यहां से यहां का 80 का जर्नी था, तुम यहां से 40 गए, यानी 50% अपना पाथ चले गए। यहां से यहां 10 का जर्नी था, तुम यहां से यहां भी तुम 50 गए हो ना। बताओ यहां पर मैं एक ले रहा हूं, 80 का मैं ले रहा हूं 1/10, यहां 28 होगा, और मैं इस 10 का ले रहा हूं 1/10, 51 कोइंसाइड करेगा? क्योंकि यहां से यहां जब तुम जा रहे हो 80 जा रहे थे, और जब तुम यहां से यहां जा रहे हो 80 का 1/10 जा रहे हो, तो यहां से यहां का 1/10 जर्नी और यहां से यहां का भी 1/10 जर्नी कोइंसाइड करेगा, करेगा ना? तो हम करते क्या, जरा देखो, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर टेबुलर फॉर्म में तुमको बताएं, अगर टेबुलर फॉर्म में बताएं, एक होता है सेल्सियस स्केल, ठीक है। सेल्सियस के बाद जो है होता है फारेनहाइट, उसके बाद होता है र्यूमर स्केल, एक होता है रैंकिन स्केल, एक होता है केल्विन स्केल, और एक है मेरा एनी स्केल। एग्रीड? यस सर। इसमें आप लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट की वैल्यू देते हैं, ये देते हैं आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फारेनहाइट, एग्रीड ना, 212 डिग्री फारेनहाइट। र्यूमर में आप देते हैं 0 डिग्री र्यूमर, 80 डिग्री र्यूमर, नाम अलग अलग है, 460 डिग्री रैंकिन, आरए रैंकिन 460 डिग्री एंड 672 डिग्री रैंकिन। केल्विन में देते हैं 273.15, यहां डिग्री नहीं लगाते हैं, और 373.15। मैं कोई भी नया स्केल ले रहा हूं, मैं कोई भी स्केल बना सकता हूं, एक नया स्केल जो इनमें से बाहर होगा, और वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है। मैं इसको दे रहा हूं एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू एट लोअर फिक्स्ड पॉइंट और एक्स की वैल्यू एट अपर फिक्स्ड पॉइंट। एग्रीड? यस सर।
अगर मैं इस मेथड से चलूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी माइनस, देखो सी माइनस जीरो, सी माइनस जीरो यहां पे ये है जीरो डिग्री, सी माइनस जीरो बाय हंड्रेड माइनस जीरो मस्ट बी इक्वल टू, ये सब के सब आइस पॉइंट, ये सब के सब स्टीम पॉइंट है। यहां क्या लिखूंगा बताओ, एफ माइनस थर्टी टू, एफ माइनस थर्टी टू बाय दिस माइनस दिस 212 माइनस 32 इज इक्वल टू लिखूंगा आर माइनस जीरो, आर माइनस जीरो बाय दिस माइनस दिस 80 माइनस जीरो, इसको मैं लिखूंगा इज इक्वल टू आर ए माइनस, आर ए माइनस 460 बाय 672 माइनस 460, 672 माइनस 460 इज इक्वल टू लिखूंगा मैं थ्री सॉरी के माइनस, के माइनस देखो लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 बाय दिस माइनस दिस 373.15 माइनस 273.15, और इसको मैं लिखूंगा जो भी मेरा स्केल है एक्स की वैल्यू माइनस एक्स लोअर फिक्स पॉइंट बाय एक्स की, एक्स की वैल्यू अपर फिक्स पॉइंट माइनस एक्स की वैल्यू लोअर फिक्स पॉइंट लिखूंगा ना। आप अगर इसको इसको और इसको इक्वेट करेंगे आएगा सी बाय फाइव, ये कितना 100, ये कितना है 180, एफ माइनस 32 बाय 9 100 180 10 से कट गया 20 20 ये हो गया सी बाय 100, ये हो गया एफ माइनस 32 बाय 180 और ये हो गया के माइनस 273.15 बाय 100 सही है। काट दूं 20 से सबको 5 9 5 यही ना, तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुमसे क्वेश्चन पूछना भी होगा कभी तो ये पूछेगा कि एक साइंटिस्ट ने एक स्केल डिजाइन किया, उस स्केल में उसने आइस पॉइंट की वैल्यू रखी 20 और स्टीम पॉइंट की वैल्यू रखी 140 ठीक, तो बताओ 40 डिग्री सेंटीग्रेड इस स्केल में किस नंबर के इक्वल होगा, समझ रहे हो? तो तुमको इसको याद रखना है बस, ये दिया होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तुम फिक्स करोगे, ये तुम फिक्स करोगे, ये तुम फिक्स करोगे, ये अननोन है बट ये रेशियो सबके लिए सेम आएगा ठीक है। yes. ले लो ये जो अब यहां पर, ये यहां पर क्या क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज ले लो, यहां पे एक प्लेटिनम रेसिस्टेंस होता है, एक्स को हम कभी भी क्या लेते हैं, रेसिस्टेंस लेते हैं, और रेसिस्टेंस में क्या होता है टेम्परेचर जब थोड़ा सा बढ़ता है तो रेसिस्टेंस, अगर अगर रेसिस्टेंस इस तरह से वेरी कर रहा हो आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट, तो क्या ये लीनियर फंक्शन है, तो मैं यहां लिख सकता हूं रेसिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर में रेसिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर माइनस रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट वुड बी द कन्वर्जन फैक्टर हियर टू हियर, समझ रहे हो ना। अब इसको समझो कि अगर मैं इसकी बात करूं कि मतलब ये जो टेम्परेचर स्केल होता है सेल्सियस वाला बहुत अच्छा नहीं होता है, यहां मैं एक और काम कर सकता हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस के लिए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो, यानी एक रिजिड कंटेनर में, एक फिक्स्ड वॉल्यूम के कंटेनर में मैंने फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल डाल दिया, एग्रीड, तो क्या प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो यहां लिख सकते हो प्रेशर अननोन माइनस प्रेशर एट लोअर पॉइंट बाय प्रेशर एट अपर पॉइंट
स्टीम पॉइंट माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री, ये हो जाएगा उसका कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर स्केल, तुम उसे बना सकते हो। ये जो सारे स्केल होते हैं ये उतने अच्छे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? ये कोई भी फंक्शन लीनियर नहीं होता है, कोई भी फंक्शन लीनियर नहीं होता, थोड़ा ना थोड़ा डेविएशन तो करता ही है, स्ट्रेट लाइन कोई चीज नहीं आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आइडियल गैस थर्मामीटर यूज करते हैं। तो आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस थर्मोमीटर में क्या होता है, हम इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और हम केल्विन स्केल में निकालते हैं डायरेक्ट। कैसे निकालते हैं? नंबर मोल और आर को फिक्स कर दिया, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, तो प्रेशर क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एग्रीड? तो मैं क्या करता हूं, एक ट्रिपल पॉइंट होता है, वाटर आइस और वेपर का एक ट्रिपल पॉइंट होता है, 273.11 क्या होता है 16 केल्विन, एक ट्रिपल पॉइंट होता है। तो मैं क्या करता हूं, जब ट्रिपल पॉइंट है, एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जो हमको पता है, ट्रिपल पॉइंट पे मैं प्रेशर निकाल लेता हूं, गैस का प्रेशर निकाल, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और फिर मैं क्या करता हूं, प्रेशर एट अननोन, ये प्रेशर मैं मेजर कर लेता हूं किसी अननोन टेम्परेचर पे, ये मेजर कर रहा हूं, ये टेम्परेचर अननोन है, समझ रहे हो ना? मैं पहले ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर भी मेजर कर लिया और टेम्परेचर मुझे पहले से पता है, ट्रिपल पॉइंट पे उस गैस का फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैस का फिक्स नंबर ऑफ मोल का मैंने टेम्परेचर मुझे पता है 273.16 केल्विन, मैंने प्रेशर वहां पे निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, एक अननोन टेम्परेचर में उस कंटेनर को डाल दिया, एक अननोन जगह डाल, मुझे टेम्परेचर नहीं पता बट मैं प्रेशर मेजर जो है कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से टेम्परेचर कैसे निकालूंगा, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, आएगा पी बाय टी, प्रेशर एट दिस टेम्परेचर बाय टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू पी टी आर बाय टी टी आर, है ना? तो टेम्परेचर क्या आ गया बताओ, व्हाट इज द टेम्परेचर फ्रॉम हियर, सो टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू पी बाय पी टी आर टाइम्स टी आर 273.16, सही है ना? Yes, इसको हम बोलते हैं पॉपुलरली कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, क्या बोलते हैं इसको हम, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है? इसमें डेविएशन या इसलिए बता रहा हूं यहां भी डेविएशन आएगा, तुमने जेड फैक्टर पढ़ा है केमिस्ट्री में, हाँ, आइडियल गैस आइडियल नहीं होता है, वो एक अप्रोक्सीमेशन है, और वो अप्रोक्सीमेशन वैलिड है अगर प्रेशर कम होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये ना? Yes, इसमें भी डेविएशन को खत्म करेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं लिमिट पी टेंड्स टू जीरो, मतलब क्या हुआ, नंबर मोल बहुत कम रखो, और गैस की डेंसिटी बहुत कम है तो आइडियल की तरह बिहेव करेगा। तो पी बाय पी टी आर, तो तुम्हारे क्वेश्चन में प्रेशर एट दिस टेम्परेचर अननोन टेम्परेचर और प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट दिया हुआ होगा, तुमसे टेम्परेचर सीधे केल्विन में निकल जाएगा, और इसमें भी जो डेविएशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो डेविएशन होता है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर जो डेविएट करता है, उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रेशर को बहुत कम रख रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स को बहुत कम रख रहे हैं, गैस की डेंसिटी बहुत कम रख रहे हैं, ठीक है ना? इस फॉर्मूले को याद रखोगे, P by PTR into 273.16 हो गया, टेम्परेचर स्केल भी हो गया, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे कैलोरीमेट्री, ठीक है? इसमें जो लगाया लगा लो, मैंने सब पढ़ा दिया, तो उसका डिस्कशन होगा अभी हम लोग हीट में, देखो हीट में तुम्हारा पैकेज जो है, तुम्हारा पैकेज कौन सा हीट में है, टू है ना, हाँ, इसमें जो चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री कौन सा है, मैं बता रहा हूं, पेज नंबर स्टार्ट होता है ये 157 पे,
इसमें क्वेश्चंस पहले से क्लासिफाई किए हुए हैं, थर्मल एक्सपेंशन बेसिक्स कर चुके हैं, लीनियर एक्सपेंशन कर चुके हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कर चुके हैं, थर्मल स्ट्रेस कर चुके हैं, कैलोरीमेट्री नहीं हुआ है, मतलब एक्सरसाइज वन में मैंने 19 तक देखा है, कर लिया है। टेम्परेचर स्केल लास्ट में दिया हुआ है एक्सरसाइज वन में 35-36, ठीक है। एक्सरसाइज टू में वैसे ही टॉपिक वाइज क्लासिफाई किया। मैं मेंस एक बार देख लेता हूं इसने मेंस में क्या पूछा है। मतलब मेंस का देखो, मेंस का तुम क्वेश्चन बैंक उठाओगे भी कहीं से, डाउनलोड करोगे, वो तुमको शायद पूरा हीट का दे देगा, वो तुमको थर्मल एक्सपेंशन ये अलग अलग करके नहीं देगा, जो मुझे सब समझ में आता है। हालांकि मैं तुम्हें इसका बता दू, इसका जो हमारा मेंस है, हमारा जो मेंस है उसमें क्वेश्चन नंबर वन थर्मल एक्सपेंशन का है। एग्रीड? पेज 168 वर्कबुक 2 1 3 4 5 7 8 1 3 4 5 7 8 ठीक है। ये किसका है? थर्मल एक्सपेंशन का। बाकी जो दो बच गए 2, 6 और 9 कैलोरीमेट्री का। एग्रीड? एडवांस में 3 और 6 थर्मल एक्सपेंशन का, 1, 2, 4 और 5 कैलोरीमेट्री का, ठीक है। वैसे मैं इसको ये कर रहा हूं, मैं भी क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं तुम लोग के लिए, मेंस का सारा पिछले 2013 से लेकर अब तक का, उसको मैं डीपीपी फॉर्म में दूंगा, उसमें वैसे उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। अभी तुम लोग बस फॉर्मूला सब देख लो। मेन प्रैक्टिस तुम लोग का 2 तारीख से शुरू होगा, 2 तारीख तुम लोग का डेली प्रैक्टिस होगा प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन डेली, ठीक है, उसमें सारा कवर हो गया, ठीक। चलो, थैंक यू।